दोस्तों, भारतीय फिल्मों में कॉमेडी की बात की जाए तो कुछ ही नाम आपके सामने आएंगे और उन कुछ नामों में सबसे ऊपर जो नाम होगा वो एक चमकता हुआ नाम मिलेगा, जॉनी लीवर का। दोस्तों, आप लोगों में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो जॉनी लीवर की कॉमेडी को पसंद ना करता हो या फिल्मों में उनकी कॉमेडी देखकर हंसाना हो। आज के इस वीडियो में हम आपको जॉनी लीवर की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे जो आपने नहीं सुने होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश में हुआ। अगर आप सोच रहे हैं कि जॉनी का असली नाम जॉनी लीवर ही है तो आप गलत सोच रहे हैं। जॉनी लीवर का असली नाम है जॉन प्रकाश राव जनमूला। जॉनी लीवर के पिता प्रकाश राव जनमूला हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करते थे और वो अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। दोस्तों, शुरू से ही जॉनी लीवर के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। खराब फिनेंशियल कंडीशन के चलते जॉनी ज़्यादा पढ़ नहीं सके। उन्होंने आंध्र प्रदेश के तेलुगु स्कूल से 7वीं तक पढ़ाई की। कम उम्र में ही वो मुंबई आ गए। जॉनी लीवर का बचपन मुंबई के धारावी इलाके में बीता और अपना गुजारा चलाने के लिए उन्होंने कई तरह के काम किए। पेट भरने के लिए उन्होंने मुंबई की सड़कों पर पेन भी बेचे। वो बॉलीवुड के गानों पर डांस करते हुए फिल्म एक्टर्स की नकल करते हुए पेन बेचते थे। घर में बड़े होने के कारण घर की स्थिति को समझते हुए जॉनी भी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करने लगे। इस दौरान उन्हें अपनी कॉमेडी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। वो खाली वक्त में अपने कोवर्कर्स को अपनी कॉमेडी से हंसाते थे, जिस वजह से उनका नाम जॉनी लीवर पड़ गया। इसके बाद उन्होंने अपना ये नाम जारी रखा। जॉनी लीवर को फिल्म स्टारों की मिमिक्री करने में महारत हासिल थी। उनकी इसी खासियत ने उन्हें स्टेज शो करने का मौका दिया। ऐसे एक स्टेज शो में सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक दिया और आज ये सिलसिला 350 से अधिक फिल्मों तक पहुंच गया है। दर्द का रिश्ता के बाद वो जलवा में नसीरुद्दीन शाह के साथ दिखाई दिए, लेकिन उनकी पहली बड़ी सफलता बाजीगर के साथ शुरू हुई। इसके बाद वो लगभग एक सहायक अभिनेता के रूप में हर फिल्म में हास्य अभिनेता के रोल में देखे गए। जॉनी लीवर की शादी सुजाता से हुई। उनका एक बेटा और एक बेटी है, बेटी जैमी जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और बेटे का नाम जेस है। दोस्तों, एक वक्त बेटे की बीमारी के कारण जॉनी लीवर बुरी तरह से टूट गए थे। जॉनी लीवर के बेटे जेरो को गले का ट्यूमर हो गया था। उस वक्त वो 12वीं क्लास में थे। ये ट्यूमर इतना बढ़ गया था कि इसने कैंसर का रूप ले लिया। इसके कारण जॉनी लीवर पूरी तरह से टूट गए। जॉनी लीवर के बेटे ने 12वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर कैंसर का इलाज करवाया। दोस्तों, उन दिनों के बारे में जॉनी कई टीवी शो में खुलकर बात कर चुके हैं। जॉनी ने बताया कि जब मेरे बेटे को कैंसर की बीमारी बताई गई तब मैं अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। अपने बच्चे के जीवन के लिए भगवान से मदद मांगता रहा, जिसके कारण मैंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और अपना पूरा समय अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने में लगाता था। आखिर में भगवान की कृपा से जस पूरी तरह से ठीक हो गया। वो मेरे लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी। दोस्तों, अब तक जॉनी बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुके हैं। साल 1984 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले जॉनी अब तक 350 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। एक वेब पोर्टल की माने तो जॉनी लीवर के पास कुल करीब $30 मिलियन यानी 210 करोड़ रुपयों की संपत्ति है। इनकी इनकम का मुख्य जरिया फिल्में ही हैं। आपको बता दें, जॉनी लीवर सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन और मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी जॉनी लीवर के फैंस हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।